एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे पहुंचकर अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सलूशन होगा मैं सभी बच्चों तक देने की कोशिश करूंगा। और अभी जो है काफी खुशखबरी भरी न्यूज हम सभी बच्चों के लिए मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इससे पहले वाली वीडियोज में, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो यूपी के जो भी आपके योगी आदित्यनाथ जी जो है, उन्होंने कहा था भैया जल्दी से जल्दी जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है आप अभी जल्दी फैसला लो और मुझे जितना जल्दी वो बताओ। जो आप लोगों के जो पेपर जो ऑनलाइन कंडक्ट करवाओगे, उन्होंने ये नहीं लिखा था जो आप लोग पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवाओ, उन्होंने कहा था आपको ऐसा कुछ करना है जिससे बच्चों का भला हो और हमारे पेपर भी हो जाए। तो अभी जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो न्यूज लगभग 9 बजे का था और 4 बजे जो है आपके आईएएस ऑफिसर, मैं बताता हूँ, आलोक कुमार जी जो सेक्रेटरी टेक्निकल एंड वोकेशन एजुकेशन है, जो आपके सचिव है टेक्निकल एंड वोकेशन एजुकेशन के, उन्होंने अभी ट्वीट किया लगभग कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा है 3 यूनिवर्सिटी आपको मैं बताना चाहता हूँ, AKTU, HBTU एंड एक है MMMUT गोरखपुर। इन तीनों यूनिवर्सिटी के जो पेपर है, जो सबसे मेन यूनिवर्सिटी माना जाता है आपके यूपी के अंदर, जो ये जो है AKTU, इनकी तो बात ही कुछ और है, आप लोग जाके पढ़ सकते हो AKTU के बारे में, काफी गैजेटेड, और कहते नहीं कि यहाँ एडमिशन होने का मतलब समझो आप अपने आप को वेल समझ, IIT NIT के बाद ये भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कुछ अपने आप में वैल्यू रखती है, किसके अंदर, यूपी के अंदर। तो उसमें उन्होंने कहा, और जबकि देखो मैं कहना चाहता हूँ AKTU लखनऊ, थोड़ा देखिए मैं सबको बताना चाहता हूँ, काफी इसी से रिलेटेड काफी यूट्यूबरों ने भी कहा था, जो AICT ने अकॉर्डिंग टू HSBT, जो HSBT के जो उन्होंने मेल 10:30 बजे रात में जो भेजा था सभी कॉलेजेस में, उसमें यह चीज मेंशन किया था, जो अभी तक AICT ने कोई एग्जाम से लेकर कुछ क्लियर नहीं किया, इसलिए क्या है हमने अभी तक एग्जाम का डिसीजन नहीं लिया, जो एग्जाम हमारे किस मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे, जब AICT बताएगा तब हम कंडक्ट करवाएंगे। तो एक बात बताओ, क्या AICT ने यूपी के लिए कोई ऐसा नियम या कोई नोटिस दिया है क्या, आप मुझे गोयल जी समझाए, जो अभी तक अगर मान लीजिए AKTU जो है ये अप्रूव्ड है कहां कहां से, एक UGC से एंड AICT से, दोनों जगह से इन्होंने अपने आप को अप्रूव ले रखा है, तो इनके जो भी वाइस चांसलर थे, आपको पता होगा एक कमिटी बैठी थी जिसके अंदर काफी मेंबर थे, और हम भी HSBT के माननीय महोदय से हम विनती करेंगे आप भी एक कमिटी बिठाइए, उसके अंदर 5 से 7 मेंबर की टीम हो जो पूरा स्टडी करे, जो बच्चों के पेपर कैसे होने चाहिए, ऑनलाइन हो तो वो किस अकॉर्डिंग हो, और सेकंड अगर आपको प्रमोशन देना है तो बच्चों को आप 12 सब्जेक्ट में किस अकॉर्डिंग दोगे, लेकिन ऑफलाइन पेपर का भी बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है, ये बात माननीय महोदय राजेश गोयल सर भी समझते, लेकिन उनको ऐसा लगता है जो अगर हमने इस बार ऑफलाइन ले लिया तो हमारे जो है, मेरी ईगो पे बात आ जाएगी। देखो ये जो एक IAS ऑफिसर सर है आलोक कुमार जी, आप उनके बारे में भी स्टडी कर लेना, काफी अच्छे इंसान है, तो इन्होंने भाई इनके अंदर क्या ईगो नहीं है, इन्होंने तो कभी ऐसा किसी बच्चे को व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया, जो पिछली बार देखो इनका कहना है, जो हम कोर्ट जाएंगे तो हम कोर्ट में ये कहेंगे, मैंने भी काफी एडवोकेट से बात की, जो हमारे पहले का जो रिजल्ट है, जैसे मान लो अगर हम पेपर ऑफलाइन लेते, इनकी सोच देखो, तो इनका कहना है जो बच्चे कम पास होते, इनका कहना है अगर हम पेपर ऑफलाइन लेते हैं तो इन्हीं के परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये बताते हैं जो काफी कम बच्चे पास होते हैं, लेकिन अगर हमने पेपर ऑनलाइन ले लिया तो इसमें काफी बच्चे पास होते हैं। तो आप ही माननीय महोदय बताइए, जो अगर आप ये बात कोर्ट में कहोगे तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपसे जज साहब पूछेंगे जो भैया ऐसी क्या कमी रह गई, आप ही का रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, आप जो रिकॉर्ड जो बच्चों को भेजते हैं, जो रिकॉर्ड आपने HSBT के साइट पे डाल रखा है, अगर आप वो रिकॉर्ड कल के डेट में हाईकोर्ट लेके आइएगा तो जज साहब से मैं एक विनती पक्का करूंगा, जो जज साहब आप हमारे राजेश गोयल सर से पूछिए, जो ऑफलाइन अगर पेपर होता है तो बच्चे कम पास क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीजन हमारे गोयल सर बताए, तब मैं राजेश गोयल सर का जवाब सुनूंगा, तब मैं उसके बाद आंसर क्या दूंगा वो सर भी सुनेंगे और मैं भी सुनूंगा। मेरी दुश्मनी राजेश गोयल सर से बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरी दुश्मनी टीके तयाल सर से है, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन सर आप लोग अपने ईगो के चलते हजारों बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करोगे, ये बिल्कुल गलत है। कल के डेट में जब आप कोर्ट में ये डाटा लेके जाओगे तो कॉमन सेंस वाली बात है, मेरा वकील हो या मेरे अच्छे एक सीनियर एडवोकेट हो, वो पक्का क्वेश्चन करेंगे, सर ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से
अगर ही बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट कम आता है तब आप जवाब मैं दूंगा। जो सर कभी आप राजेश गोयल सर से पूछिए क्या इन्होंने किसी कॉलेज में ये अपडेट लिया जो उनके सिलेबस कितने कंप्लीट हुए, क्या आज तक कभी राजेश गोयल सर ने ऐसे टीम का गठन किया जो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में जाके ये चीज चेक करे उनके क्लासेस कितने लगे, क्या राजेश गोयल सर ने कभी किसी प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड हमने जितने भी उन्हें मेल किए या वो सारे पीडीएम कॉलेज क्या उन्होंने इससे रिलेटेड कोई एक्शन लिया। लास्ट टाइम में जब मांग बढ़ी है तब इन्होंने एक गवर्नमेंट टीचर पास से कुछ दिन पहले मेरे पास बच्चों ने कहा सर एक गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर हमारा क्लास ले रहे हैं, तो ये काम आप पहले क्यों नहीं कर पाए जो अब आप कर रहे हो। अब आप अपने आप को छुपाने के लिए कोई बात नहीं, आपने डाटा लिख के कोर्ट आइए, मेरा भी पूरा डाटा तैयार हो रहा है, आप बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है मेरे माननीय महोदय। तो मैं बस लास्ट रिक्वेस्ट आपसे इस बात का करता हूं जो सर अभी भी आप अपने ईगो को एक तरफ करके बिल्कुल साइड करके सर ईगो में कुछ नहीं रखा ना, मैं कल के डेट में अगर आप ये कह दोगे ना जो हम पेपर ऑनलाइन ले रहे हैं या हम 12 के 12 सब्जेक्ट में बच्चों को प्रमोट कर रहे, मैं बिल्कुल भी एक भी वीडियोस नहीं डालूंगा जिसमें आप लोग कह देना जो जिसमें मैं ये दिखाऊं जो हाँ भाई हमारे गोयल सर हार गए मैं जीत गया। सर आपके सामने मैं कहां स्टैंड करता हूं आप मुझे ये बताओ, बेटा की तरह हूं अगर आप देखा जाए तो बिल्कुल, लेकिन सर कंडीशन ऐसा है जो मुझे कहना पड़ रहा है, जब इतनी गैजेटेड यूनिवर्सिटी, जब टॉप क्लास यूनिवर्सिटी, जब अपने पेपर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवा रहे, क्या आपका कहना, क्या इनके बच्चे आप कहते हो जो सिर्फ एचएसबीटी वाले बच्चे चोर हैं, आपका कहना ये है जो हम भैया पेपर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे बच्चे चीटिंग करना चाहते हैं, आप ही के काफी ऐसे टीचर हैं, वो सारा डाटा भी मेरे पास है जिसमें वो कहते हैं बच्चों को अगर कोई स्टूडेंट उन्हें मैसेज करता है तो उनका कहना ये है जो तुम लोग जो भी कर रहे हो चीटिंग के चलते कर रहे हो। तो भैया जो इतनी यूनिवर्सिटियां हैं जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटियां हैं ये क्यों अपने पेपर ऑनलाइन करवा रही, क्या आपका कहने का मतलब वो सारी डिग्रियां फिर फेक है, आपका कहने का मतलब जो AKTU जो अपना पेपर कंडक्ट करवा रही है गलत है, आपका तो यही कहना। लेकिन मैं माननीय महोदय से बस एक बात की विनती करूंगा सर, इन ईगो को साइड में करके आप बच्चों के बारे में कल एक नोटिस निकालिए जो बच्चों के हित में हो, और वो ऐसा हो या तो आप बोलिए जो भैया हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, उस कमेटी को 3 से 4 दिन का मैक्सिमम टाइम दो, 13 तारीख तक जो भी आपको टाइम है आप ले लो 4 दिन का टाइम मंडे से, देन आप बताओ जो डिसीजन होगा हम भी एक्सेप्ट करेंगे और आई होप सर आप भी कीजिएगा, बट उसमें कुछ कंडीशन होगा, वो कंडीशन हम भी बताएंगे और कंडीशन आप भी बताइए कि क्यों, बच्चे मेरे साथ हैं HSBT आपके साथ है, अब आप देख लीजिए सर आपको क्या करना है। लेकिन मैं इस चीज से खट्टर जी को काफी मैं नाराज हूं उनसे जो सर बिल्कुल आंख में पता नहीं क्या डाल के बैठे हो, कोई टेंशन नहीं, एक देखिए योगी आदित्यनाथ जी को कितना भी है, मैं यूपी का बहुत सम्मान उनका बहुत सम्मान करता हूँ, यूपी के ऐसे CM और वैसे CM हर जगह होने चाहिए। आज 8 बजे उन्होंने कहा भैया डिसीजन लो, 4 बजे के करीब मैं बता रहा हूँ उन्होंने डिसीजन ले लिया जो हम पेपर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाएंगे। तो ये होता है एक स्टेट के CM का पावर, बट हमारे सचिव को कुछ समझ नहीं, पता नहीं चल रहा। एक ये भी देखिए, ये भी पढ़े लिखे एक IAS ऑफिसर है आलोक कुमार जी, आप जाके देखिए इनके बारे में, क्या इनके अंदर ईगो नहीं है, क्या चाहते हो तो ये हमारे पेपर ऑफलाइन ले लेते, क्या इनके दिमाग में ऐसा नहीं है जो बच्चे चीटिंग कर सकते। सर अभी माहौल ऐसा है जो लोगों को कुछ चीजें ऐसी है जो इग्नोर करनी पड़ रही है, लेकिन माहौल के अकॉर्डिंग सर आप हमें बस इंसाफ दोगे, बस लास्ट विनती आपसे है। चलो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक देने की कोशिश करूंगा। बाय ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।